प्रिय विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आरडीएस लखनऊ की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में आप सभी विद्यार्थी गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र संख्यात्मक भाग एक के द्वारा न्यूमेरिकल पोर्शन की ओर गौर करेंगे। तो विद्यार्थियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं संख्यात्मक भाग एक, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। विद्यार्थियों, चूंकि ये आपका आंकिक प्रश्नावली है, आंकिक प्रश्न आपको लगाने हैं, तो इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले और जो जितने भी भौतिक नियतांक होते हैं जो कि इस्तेमाल में आने वाले हैं, उन सभी का समुचित ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग जो मुख्य भौतिक नियतांक होते हैं उनके मान चेक कर लेते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर कुछ भौतिक नियतांकों के संख्यात्मक मान दिखाए गए हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ऊपर दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻³ या फिर 9 भी शो कर सकते हैं, क्योंकि ये कोटिमान बहुत ही सूक्ष्म है। 31 बहुत ही छोटा मान होता है इलेक्ट्रॉन का मास, जो कि बहुत ही सूक्ष्म है। इलेक्ट्रॉन का आवेश देखिए 1.6⁻¹⁹ कूलाम, इतना ही आवेश प्रोटॉन का भी होगा। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग नेगेटिव में और प्रोटॉन के आवेश को पॉजिटिव में मान सकते हैं। बाकी दोनों के जो परिमाण हैं, दोनों के परिमाण 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब आवेश का मात्रक होता है, ये हो जाएगा। और उसके अलावा प्रोटॉन का देखिए मास दिखाया गया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान आप चेक कर लीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 × 10⁻²⁷ kg। ओके, तो ये ऐसे संख्यात्मक भौतिक नियतांक हैं जिनके मान आपको हमेशा याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आप जब लगाने बैठेंगे तो इनके मान निश्चित रूप से यूज होंगे। म्यू नॉट आप जानते हैं, म्यू नॉट के विषय में आप पढ़ चुके हैं। म्यू नॉट एक्चुअली एक नियतांक है जो कि निर्वात की चुंबकशीलता के रूप में जाना जाता है। 4π·10⁻¹⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसकी वैल्यू शो की गई है। ओके, और विद्यार्थियों आप जानते हैं कि जो आपकी भौतिक राशि होती है बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र, इसमें जो इसके मात्रक दिखाए गए हैं उसमें मात्रकों में देखिए ये आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ओके, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस, ये चारों मात्रक शो किए गए हैं। ये चारों मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक शो किए गए हैं। ओके, और ये जो लास्ट में शो किया गया ये सीजीएस मात्रक है। मैं इसको कई बार रिपीट कर चुका हूँ। ये जो मात्रक दिखाया गया गॉस के फॉर्म में, ये इसका सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का यूनिट है। ओके, और स्मॉल जी की वैल्यू देखिए दिखाई गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी आपको चेक कर लेना है। ओके, और फिर देखे नीचे विद्यार्थी एक फॉर्मूला शो किया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, और ये बल वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण बल है जो कि लॉरेंज बल के नाम से जाना जाता है। ओके, ये आपका टॉपिक है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई अगर आवेशित कण गतिमान होता है तो इस पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है जिसका परिमाण F=qvB sin θ के फॉर्म में हो जाता है। इसको वेक्टर फॉर्म में देखिए यहाँ से दिखाया गया है। वेक्टर फॉर्म में आप हमेशा इसको याद करिए कि वेक्टर फॉर्म में F=qvB sin θ, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो लॉरेंज बल के अलावा कुछ और भी फॉर्मूले आपको देख लेने हैं, ठीक है ना। जैसे जब कोई कण आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत प्रवेश करता है तो उसके में पथ की त्रिज्या हम लोग निकालते हैं R=, ये हो जाता है MB/qB। एक ये फॉर्मूला भी होता है जो कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकालने को आता है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मास और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो कि आप ऊपर देख चुके हैं। ओके, तो इनके मान आपको याद कर लेने हैं। इसी त्रिज्या से आपको जो है आवर्तकाल निकालने की भी आ सकता है। आवर्तकाल का मतलब है कि T, और T अगर आपको निकालना है तो 2πR/B हो जाता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। इसमें त्रिज्या और आवर्तकाल निकालने को बोर्ड में अक्सर पूछता है, ठीक है। और देखिए एक क्या था, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब आप किसी
क्षण की बात करते हैं, इसकी लंबाई L दिखाई गई है, ये चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक है ना। और ये कोई एक L लंबाई की क्षण यदि थीटा एंगल पर रखा हुआ है, जिसमें करंट I फ्लो होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगता है F इक्वल टू BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको भी आपको देख लेना है। और ये चीज़ मैंने आपको कई बार हिंट किया है कि जब लॉरेंज बल और मतलब चुंबकीय बल और वैद्युत बल होता है क्यू ई, वैद्युत बल क्या होता है क्यू ई, और लॉरेंज बल होता है एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा। अगर थीटा 90 है तो लंबवत पे अगर मोशन करता है तो क्यू बी हो जाता है, यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाता है ई अपॉन बी। वेक फिल्टर का एक फॉर्मूला देखिए यही बना हुआ था, तो ये जो दिखाया गया ये एक्चुअली में वेक फिल्टर का फॉर्मूला है, इसको भी आपको समझ लेना है। ओके, फिर विद्यार्थी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉरेंज बल के बाद देखिए ये आपका कुछ न्यूमेरिकल चालू होता है और संख्यात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो इस पे ध्यान दें, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेक कर लें कि एक प्रोटॉन जो है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर 2.7 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पे लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है। देखिए आप जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या मान दिया है, क्या मान हमें निकालना है। बात करता है सबसे पहले प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का आपको आवेश और प्रोटॉन का मास दिमाग में आ जाना चाहिए। उसके अलावा देखिए ये दिखाया गया है इतना मीटर वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता का, मतलब ये बी दिया है, बी का मान दिखाया गया है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, एंगल देखिए दिखाया गया 30 डिग्री, थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। और ये वेग दिखाया गया 2.7, वेलोसिटी का मान दिया है 2×10^7 मीटर पर सेकेंड। ओके, प्रवेश करता है तो प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना करनी है, फोर्स निकालना है। अभी जो भी आंकड़े दिए गए उसके आधार पे आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। देखिए ऊपर दिखाया गया लॉरेंज बल। ओके, तो यहाँ जो आंकड़े दिखाए गए हैं, जो मान शो किए गए हैं, उसके आधार पर अगर फोर्स निकालना है तो एफ इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। ओके, अब सिंपली चूंकि आवेश आपको मालूम है, वेग दिया गया है, बी का मान दिखाया गया है, थीटा का मान दिया गया है, और ये प्रोटॉन पर लगने वाला बल हो जाएगा एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा। मान बिठा देंगे, क्यू का मान देखिए यहाँ पे हो गया है, बी का मान ये हो गया है, और बाकी नीचे आ जाएंगे जब तो आपको बी और साइन थीटा का मान भी मिल जाएगा। ओके, आप प्रोटॉन पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं, तो ये आवेश हो गया है, ये आपने वेलोसिटी का मान यहाँ पुट कर दिया है, ये 1.5 बी का मान हो जाएगा, साइन थीटा साइन 31/2 हो जाएगा। इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये 2.4×10^12 न्यूटन, इतना फोर्स मिल जाएगा। दिस इज द फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन। ये एक प्रकार का चुंबकीय बल है जो कि प्रोटॉन पे कार्य करेगा। ओके, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको देख लेने हैं जहाँ से मान निकालने को आते रहते हैं बोर्ड में। तो प्रोटॉन पे आपने बल निकाल लिया है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। देखें अब क्वेश्चन 2 चेक कर लें क्या क्या दिखाया गया है। नंबर 2 देखें, इसमें 5×10^-4, ओके, -4 टेस्ला, ये क्या दिया है, ये दिया आपका बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है। ओके, और एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, मान कुछ कट रहा है ये। ओके, अब ठीक है, एक्चुअली ये जो मान दिखाया गया एग्जाम्पल नंबर 2 में, ये एक्चुअली बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब 15 किलो वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र की लंबवत, वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र के हम लोग ई से दर्शाते हैं, तो ई का मान दिया गया है 15 किलो वोल्ट पर मीटर, जो कि ये ठीक नहीं दिया क्योंकि किलो किलो में दिया हुआ है, किलो को हटाना पड़ेगा, तो ये ई की वैल्यू हो जाएगी 15×10^3। ओके, इतना वोल्ट पर मीटर, ये आपका ई का मान हो जाएगा। और यदि इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत गुजरने वाला कोई इलेक्ट्रॉन पुंज अवक्षेपित रहता है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है। तो आपने आंकड़े इकट्ठा कर लिए हैं, अब आंकड़े इकट्ठा करने के बाद आपको ये चेक करना है कि जब जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में
का मान दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी दिखाया गया है। ओके, लंबवत प्रवेश करने के बाद अविक्षेपित रहता है। अविक्षेपित करने का मतलब है कि जो दोनों यहाँ पे फोर्स होंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है क्यू इंटू बी या ई इंटू बी, तो यहाँ मैंने क्यू इंटू बी दिखा दिया है। ओके, और एफ एम को मतलब मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होता है लॉरेंट फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, और लंबवत का मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, ये क्यू क्यू कट जाना है। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी, एक सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, एक्चुअली ये क्यू इंटू ई है नॉट बी, ये वैद्युत बल क्यू इंटू ई होता है या ई इंटू है, और ये एफ एम जो चुंबकीय बल है ये क्यू वी बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन 91 हो जाएगा तो क्यू क्यू कैंसिल कर लेंगे, एंड यू कैन गेट हियर वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू ई अपॉन बी। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप वेग फिल्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये वेलोसिटी यहाँ से हमें प्राप्त करनी है। ओके, तो देखिए आपने मान इकट्ठा कर लिए हैं, जो मान गड़बड़ जो मान किलो वोल्ट में था उसको आपने चेंज कर लिया है किसमें, वोल्ट में। ओके, और स्टेप वन में आपने ये दिखा दिया है, फिर आपको बी का मान शो कर दिया, ई का मान आपने सही कर दिया है, बी का मान हमें निकालना है, वेलोसिटी ज्ञात करनी है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल आपने शो कर दिया क्यू ई या ई ई के फॉर्म में, चुंबकीय बल आपने दिखा दिया क्यू वी बी साइन थीटा या फिर ई वी बी के फॉर्म में। इसमें ई से कन्फ्यूजन ना करें, क्योंकि आवेश को ई से दिखाएं या क्यू से दिखाएं, जब इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी तो यहाँ पे हम लोग ई का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चेक कर लें, जब कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वी आर गोइंग टू यूज ई, अन्यथा वी क्यू दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा, उसके बाद चेक कर लें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के अविक्षेपित रहने का मतलब है कि दोनों जो बलों का जो परिमाण होगा वो इक्वल होना चाहिए, तो आप दोनों बलों को इक्वल दिखा देंगे। ओके, फिर दोनों को इक्वल दिखाने का मतलब यहाँ से जो है ई और ई कैंसिल आउट हो जाएगा, वी की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो इतना होमवर्क करने के पश्चात अब आगे बढ़ेंगे, ई और बी का मान यहाँ पुट कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बी का मान निकलता है वो इस प्रकार से बन जाएगा, ये 5 3 में गया, 3 ऊपर आया और 4 निगेटिव में है, ऊपर जाएगा प्लस का 4 बनाएगा, 4 3 7 इतना मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेग प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बिना विक्षेपित हुए, मतलब अविक्षेपित रहते हुए इस वेग से जो है वो गमन करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, और टेस्ट ऑफ नॉलेज के रूप में देखिए मैंने आप श्रृंखला चालू की है, इसको भी आप चेक कर लें, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो कि इस फॉर्म में पूछा गया है इसको आपको ट्राई करना है। मैं हिंट कर देता हूँ, ओके, कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ और ये आपको ट्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन शो किया गया है जो कि इतना विभव पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है इस वेग से। ओके, ये बी की वैल्यू है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये वेलोसिटी हो जाएगा बी की वैल्यू। ओके, और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करनी है। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चुंबकीय बल एफ का मान निकालना है, और फिर इस बल की इलेक्ट्रॉन के भार से तुलना करनी है। ओके, तो पहला पार्ट चेक कर लें, हमें निकालना है चूँकि बल की वैल्यू, जो कि मान जो दिखाए गए हैं वो वेग और बी के फॉर्म में 90 एंगल पे दिखाया गया, निश्चित रूप से लॉरेंज बल आपको दिखाना पड़ेगा। ओके, लॉरेंज बल क्या होता है, एफ इजकल टू क्यू या ई दिखा दें, क्यू वी बी साइन थीटा या ई वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। ओके, लंबवत का मतलब थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ये ई का मान 1.6 × 10⁻¹⁹ गुणा बी की वैल्यू दिखाई गई है 3 × 10⁷ और इंटू बी का मान दिखाया गया है 10। ओके, 1.6 और 3 दिखाई पड़ रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये और ये मिलेगा तो ये कितना आएगा, 48, मतलब 4.8 यहाँ से बन गया, और 10 की पावर चेक करेंगे जब आप
तो 10 की पावर यहाँ देखिए 19 है नेगेटिव का, और यहाँ पे है 19, और ये 718 हो जाएगा, और 19 में 8 गया 11, माइनस का 11 न्यूटन। इतना फोर्स आपका देखिए प्राप्त होगा, चेक कर लें, 4.8 होगा माइनस के 11, देखिए न्यूटन बन रहा है। तो ये आपका पहला पार्ट का जो आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला चुंबकीय बल, ओके, वो आपको इतना प्राप्त होना चाहिए। और सेकेंड पार्ट में कहता है कि इस बल की आपको कंपेयर करानी है इलेक्ट्रॉन के भार से। अभी आपने जो निकाला है वो क्या निकाला है, फोर्स निकाला है जो कि इतना प्राप्त होता है। और फिर पूछता है कि कंपेयरिंग करनी है किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन के भार से। पहले इलेक्ट्रॉन के भार चेक कर लें, इलेक्ट्रॉन के भार होता है एफ बराबर एम इंटू जी, ओके। इलेक्ट्रॉन का वेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 या 9 लिखे केवल, माइनस का 31 हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, ओके। और ये बन जाएगा 9×10^10 माइनस का 21, ये आपका फोर्स हो जाएगा, ओके। ये जो निकल रहा है ये आपका फोर्स है। अब कम तुलना करने के बाद दोनों को भाग कर लेंगे, 9×10^21 याद कर लेंगे इसको, अभी हम लोग इसका यूज करेंगे आगे, ओके। ये 9×10^21 इसको आप दिमाग में बैठा लें। तो ये फोर्स कितना है, ये है 4.8×10^-11, और वो नीचे था 9×10^-21, ओके। और जब इसको आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो चेक करना है कि जो कंपेयर करने का मतलब भाग करने का मतलब इतना वैल्यू आना चाहिए, ओके। तो ये आप स्वयं करके चेक कर लेंगे कि आंसर मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड में देखिए क्या क्या दिखाया गया है, चेक कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन 5×10^-4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रकाश की चाल के 1/25 भाग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले बल की गणना और उसके पथ की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ओके। यू हैव टू चेक द फोर्स वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड द रेडियाई और रेडियस ऑफ द पाथ, ओके। तो ये देखिए ये क्या दिखाया गया, ये वैल्यू किसकी है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हो जाएगा, ओके। और ये जो वेलोसिटी देखिए क्या कहता है, वेलोसिटी के लिए दिखाया कि प्रकाश की चाल का 1/25। तो प्रकाश की चाल हमेशा सी से दिखाएंगे, और सी का मान होता है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश की चाल है। और यहाँ जो चाल दिखाई गई है वो हमने बी मान लिया है, कितना है वो c/25, मतलब इसको जो है 25 से भाग कर लेना है, ठीक है। तो इसको भाग करने पे ये मान देता है, आप यहाँ से शो कर सकते हैं, ये आपका देखिए यहीं पर छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, या भाग करके भी दिखा सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का मान हो गया, आवेश का मान आपको मालूम होना चाहिए, मास मालूम होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो प्रकाश की चाल का 1/25 भाग है, आपने यहाँ से इसको प्राप्त कर लिया है। अब आपको फोर्स निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा निश्चित रूप से लॉरेंट्ज़ बल होगा, लॉरेंट्ज़ बल आप जानते हैं बराबर क्यू बी आप लेके चलेंगे, sin θ sin 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्यू का मान, ओके, क्यू का मान और बी का मान सब कुछ दिया हुआ है। क्यू आप जानते हैं 1.6×19 कूलम, बी का मान जो ये वैल्यू प्राप्त होती है ये आपका बी का मान हो जाएगा, ओके। और ये हो गया बी का मान, देखिए 5×10^-4 दिया गया है। इन सबको हल करने पे आपको फोर्स मिल जाएगा, यू कैन गेट द फोर्स, ओके, क्योंकि सारा मान इसमें रख दिया गया है इस फॉर्मूले में। ये आपका क्यू हो गया, ये बी हो गया, ये नीचे बी हो गया, और साइन 90 देखिए 1 हो जाएगा ये। तो उसको आप हल कर लेंगे, और हल करने पे देखिए कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है, ये 4.8×5×10^15 या इतना न्यूटन। मात्रक अवश्य दिखाएंगे, क्योंकि मात्रक के बिना जो सॉल्यूशन अधूरा माना जाता है, न्यूटन इसका मात्रक हो जाएगा। ये आपका फोर्थ निकल रहा है चुंबकीय बल। इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या निकालनी है, आर का मान निकालना है, तो आर का फॉर्मूला जानते हैं me/qb, ओके। और जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि आर का मान कहाँ से निकल रहा है। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से
वृत्ति पथ पर गतिमान होता है, तो इसमें दो फोर्स काम करते हैं। एक फोर्स हो जाता है लॉरेंज बल क्यू वी साइन थीटा के फॉर्म में, ओके, और दूसरा होता है केंद्र बल, वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ओके। यहाँ से एक वी कैंसिल हो जाएगा, आर को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एम बी यहाँ बचेगा एम बी अपॉन क्यू बी, ओके। ये फॉर्मूला त्रिज्या का है कि इलेक्ट्रॉन जो जिस पथ में मोशन कर रहा है उसकी पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ से ये आर का फॉर्मूला हो गया है, एम आप जानते हैं 9.1 या 9 − 31, बी का मान आप दिया गया है, बी का मान भी दिया है, आवेश भी आप जानते हैं, यहाँ सब कुछ जानते हैं, मान पुट करना है और कैलकुलेशन यू कैन गेट द मीटर में। देखिए पहले निकल रहा है −2 पावर में, ये इसको आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ओके। तो ये है क्वेश्चन जिसमें निश्चित आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और अब आप ये ध्यान दें विद्यार्थियों की क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन शो किया गया है और 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है, ओके। वृत्ताकार मार्ग में घूमता है, इलेक्ट्रॉन की चाल निकालनी है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालनी है, ओके। और मास देखिए शो किया गया है, मास आप देख लें 9 − 31, आपको मालूम होगा। आवेश दिखाया गया है, आवेश भी आप जानते हैं, और एक चीज़ देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने का तरीका दिखाया गया है, क्योंकि आपको जो ऊर्जा दिखाई गई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ओके। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू उसको आपको जूल में है। तो ये के का मान देखिए शो किया गया है, तो पहले हम लोग के लिख चलते हैं, आंकड़े हम लोग नोट कर लेते हैं पहले क्या क्या दिखाए गए हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको आपने चेंज कर लिया, इससे गुणा कर लेते हैं। अक्सर मैंने देखा है बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हुए जहाँ पे ऊर्जा जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में दिया है, या लिखा है 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको इसको कन्वर्ट कर लेना होगा, मिलियन मेगा में 10⁶ हमें और लगा लेना होगा, ओके। 10⁶ और लग जाती है अगर मिलियन या मेगा दिखाया गया है। तो यहाँ केवल आपको 1.6 − 19 से मल्टीप्लाई करके जो वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको आपको जूल में कन्वर्ट कर लेना होगा। बी का मान देखिए ये शो किया गया है 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये बी का मान हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन की चाल निकालनी है और वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालनी है, ओके। अब ये चाल कहाँ से आएगा, देखिए जब के का मान देने का मतलब क्या है, के का मान देने का मतलब है कि गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर आप ले सकते हैं, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 के अपॉन m प्राप्त हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से बी की वैल्यू हो जाएगी रूट में 2 के अपॉन m। ये वो फॉर्मूला है जिसका आपको यूज करना है, और यूज करने के बाद जो है वेलोसिटी निकालना होगा, ओके। ये आपको के का फॉर्मूला है, के हाफ एम स्क्वायर होता है, और जब आप बी स्क्वायर को रोकेंगे तो 2 जाएगा ऊपर और m आएगा नीचे, तो फाइनली ये फॉर्मूला आपका वेलोसिटी का प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, देखिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, वेलोसिटी पहले निकालते हैं, जबकि ऊर्जा दिया हुआ है उसको आपने कन्वर्ट कर लिया है जूल में। स्टेप 1, यू आर गोइंग टू फॉलो, ये आपका के का मान जूल में बदला हुआ है, बी का मान मालूम दिया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए। वेलोसिटी निकाल लेते हैं, गति ऊर्जा का ये फॉर्मूला दिखाया गया है, ये फिर देखिए बी का मान यहाँ से लिया गया है 2 के अपॉन m, तो आपको यहाँ पे के का मान m का मान रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से, के का मान m का मान पुट करने पर इस फॉर्मूले में यू कैन गेट v, इसको आप चेक कर लें, 2 × 5 = 10 हो गया है, 1.6 हो गया है, 9 हो गया है। यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत हो पूछ लेंगे, एक्चुअली ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट में 2 × 5 = 10 हो गया, 10 लिखा इंटू 1.6 लिखा इंटू 10⁻⁹19 लिखा,
और नीचे 9×10⁻³ लिखा। ओके तो ये 1.6 और 9, 1.6 का जब 10 से मिलाई करेंगे 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4, नीचे 9 का 3 हो जाएगा। पावर को चेक कर लेंगे, पावर जो है 12 की टाइप का आना चाहिए, 12 का मतलब बाहर बाहर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके 4/3×10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। 4/3 को हम लिखेंगे 1.33, 1.33×10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये इसका वेग हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब त्रिज्या निकालने, त्रिज्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हैं फॉर्मूला, आपने अभी पीछे भी देखा था, R=mv/qb। ओके ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का रखना पड़ेगा, वेलोसिटी आपने अभी निकाल ली है, क्यू का मान आप जानते हैं 1.6 - 19, और बी का मान भी शो किया गया है। ओके ये सारे मान दिखाए गए हैं, इन सारे मानों को जब आप इस फॉर्मूले में रखते हैं, त्रिज्या निकालने के फॉर्मूले में, तो आप निश्चित रूप से त्रिज्या का मान ले सकते हैं। ये फॉर्मूला हो जाएगा, सारे मान देखिए पुट किए गए हैं। ओके और इसको सॉल्व करने के पश्चात ये 3/4×10⁻¹ मीटर, ओके 0.75 बन जाएगा, 0.75×10⁻¹ 10 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो ये 7.5×10⁻²² मीटर, या इसको लिख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर। ओके पथ की त्रिज्या जो है, जो ये लिखा गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन 5 में देखिए इसके वैल्यू चेक कर लें, छिप रही हैं और ठीक है। ओके परफेक्ट, 25 KeV मतलब किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने आपसे कहा था कि जो गति ऊर्जा का मान होगा, के का मान, ये मिलियन में या किलो में भी हो सकता है। 25 किलो वोल्ट दिखाया गया है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, 25 लिखा है, किलो को हटाया तो 10³ आपने लगा दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6×10⁻¹⁹। ओके इसको आप हल कर लेंगे, 25 ये दिखाया गया है, कितना है 25, और जब ये 1.6 से मिलेगा तो 40 हो जाएगा। अब पावर चेक कर लें, पावर देखिए यहाँ पे 19 है नेगेटिव का, यहाँ पे 3 है माइनस का 16, ये आपका के का मान हो जाएगा, इतना जूल, इतना जूल आपका के का मान हो जाएगा। और ये देखिए ये जो मान दिखाया गया टेस्ला में, ये एक्चुअली बी का मान है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मिली टेस्ला लिखा हुआ है, स्मॉल एम कैपिटल टी, इसको आपको मिली को हटाना पड़ेगा, एक मिली टेस्ला में इतना टेस्ला होता है, माइनस थी और लगा दिया है। आवेश जानते हैं, मास जानते हैं, क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन का आवर्तकाल। आवर्तकाल देखिए आपको हिंट किया था मैंने अभी ऊपर, एक्चुअली आवर्तकाल कैसे निकालना है, क्योंकि मान यहाँ पे कुछ और टाइप के दिए गए, आवर्तकाल होता है 2π×त्रिज्या/वेलोसिटी। त्रिज्या को हटाना पड़ेगा, और त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या होता है R=mv/qb, ये त्रिज्या हो जाएगा। ओके तो t बराबर ये बन जाएगा 2πr, r का मतलब mv/qb, और नीचे v हो जाएगा। ओके इसको अलग दिखा दें, ये एक त्रिज्या है, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, और यहाँ से बी भी कट आएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 2π बचेगा, m बचेगा, और क्यू बी नीचे आएगा, 2πm/qb। ओके 2πm/qb, ये देखिए फॉर्म में शो किया गया है। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होता है तो आप जो त्रिज्या का फॉर्मूला है, आवर्तकाल का फॉर्मूला, उसको मिला दें, त्रिज्या के मान को जब बैठाते हैं तो आपको इस फॉर्म में आवर्तकाल का फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। ओके
क्योंकि इसमें आर का मान नहीं दिखाया गया है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप हल कर लेंगे। और एक ही और ध्यान दें कि इस क्वेश्चन में जो आपका गति ऊर्जा का मान शो किया गया था, इसका कोई यूज नहीं है। ओके, इसका फिलहाल यहाँ पर कोई यूज इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आपको करना है तो हो भी जाएगा, क्योंकि यह आपका के का मान है। मैंने आपको कहा कि के इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, यहाँ से आप बी का मान निकाल लेंगे रूट में टू के अपॉन एम के फॉर्म में। ओके, जब आपकी वेलोसिटी मिल जाती है तो कुछ काम हल्का सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है इसका आर का, आर इक्वल टू क्या था, एम बी अपॉन क्यू बी। ओके, अब आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें m की वैल्यू आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए 9 जगह -31, v का मान आप निकाल चुके हैं, q का मान 1.6 - 19 कूलाम, b का मान ये जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है जूल वाला मान रख देंगे। r का मान जब प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद t इक्वल टू जो फॉर्मूला था क्या था, 2πr/v। मतलब ये भी एक तरीका है, आप अगर टी का फॉर्मूला सीधा नहीं याद आ रहा है तो, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें आपको कई चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी के बाद त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालने के बाद आपको टी निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला टी का यहाँ लगाया गया है, ओके, यहाँ से आप डायरेक्ट टी का मान चेक कर सकते हैं। ओके, तो टी इक्वल टू पाई एम अपन क्यू बी अगर सीधा इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है टी का मान बिना किसी कन्वर्जन के, बिना किसी बाधा के प्राप्त हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखने आप लोग के लिए है क्वेश्चन ये। ओके, और ये कोई इलेक्ट्रॉन 2 10^-3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का वेग निकालना है और इस वेग को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने विभवांतर से त्वरित किया जाना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन देख दिखाया गया है। ओके, अब इसका आंसर मैंने नहीं दिखाया है, यह आपका चेक पॉइंट है कितना आप निकाल पा रहे हैं। मैं आपको हिंट कर देता हूँ कैसे लगाना है इसको। ओके, ये आपका इलेक्ट्रॉन शो किया गया है, ये टेस्ला मतलब बी का मान दिखाया गया है, इतना टेस्ला 20 सेंटीमीटर त्रिज्या दिखाई गई, इसको आपको चेंज कर लेना मीटर में, 0.2 मीटर, कितना 0.2 मीटर में आ जाएगा। ओके, वृत्ताकार पथ पर गतिमान है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना है, वेग निकालना है और वेग को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कितने विभवांतर मतलब बी का मान भी निकालना है, त्वरित होना चाहिए। तो पहले जो मान शो किए गए हैं उसका यूज कर लेना है और उससे हम लोग को क्या निकालना है, वेलोसिटी, ठीक है। और देखिए आर, चूँकि आर का मान दिया गया, बी का मान दिया, तो आपको फिर से आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी, ये इस्तेमाल कर लेना है और इसको हल करके आप वेग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा आर क्यू बी अपॉन एम। ओके, और आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला बाद में हम लोगों ने बनाया है वेलोसिटी का, इसमें त्रिज्या का मान आपको दिया गया है 0.2 मीटर, आवेश आप जानते हैं, बी का मान शो किया गया है परफेक्ट फॉर्म में, एम का मतलब इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है, यहाँ से आप बी का मान प्राप्त कर लेंगे। ओके, तो ये पहला पार्ट हो जाएगा। अब विभवांतर निकालना है तो क्या तरीका होगा, अब विभवांतर निकालना है तो के इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, के ऊर्जा है, ऊर्जा और विभवांतर का संबंध आपको मालूम होना चाहिए। ओके, बी इक्वल टू होता है, विभवांतर का फॉर्मूला क्या बताया गया, बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू या के अपॉन क्यू। ओके, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू को ऊपर ले जाओ, यहाँ पे आप ई भी कर सकते हैं, तो इस जो आपका ये वैल्यू है के। ओके, तो यहाँ पर लोग लिखेंगे ई इंटू बी, ई इंटू कैपिटल बी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ओके, और इतना करने के बाद आपको चूंकि विभवांतर निकालना है
निश्चित रूप से आपको इसको लेके चलेंगे, यहाँ से 20 का 2 हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन छोटा ई नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा। तो आपको जो आर्चर्स है इसमें आपको सारे मान रखने पड़ेंगे, 1/2 मास आप जानते हैं 9×10⁻³, वी का मान आपने अभी निकाला है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं। ओके, ये सारे मान निकालने के बाद आप विभवांतर चेक कर सकते हैं। तो इसको भी आप ट्राई करें और जिसका सोल्यूशन निकले मुझे बताइए। ओके, क्वेश्चन 4 के फॉर्म में है, टेस्ट ऑफ नॉलेज, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एंड सेंड मी इन माई चैट बॉक्स। ओके, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, यू हैव सीन दिस टॉपिक अर्लियर इन द अर्लियर वीडियो, डेफिनेटली एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ओके, और इसमें बी क्या है, एल क्या है, थीटा क्या है, सब जानते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 शो किया गया है, और क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा दिखाया गया है कि 40 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 2.5 एम्पीयर की करंट प्रवाहित की जाती है, यदि इस तार को 8×10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया जाए तो तार पे लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा। ओके, यू हैव टू चेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, चेक कर लें पहले कौन कौन से मान शो किए गए हैं। ये मान जो दिखाया गया आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपको किस में दिया है, सेंटीमीटर में, इसको आपको लिखना पड़ेगा 0.4 मीटर। ओके, ये एम्पियर करंट हो जाएगा, और ये जो दिखाया गया है वेबर में मीटर स्क्वायर, ये आपका बी का मान हो जाएगा, और फोर्स निकालना है। ओके, एल का मान मीटर में चेंज कर लिया, आई का मान करेक्ट है, बी का मान दिया गया है, थीटा 90, लंबवत देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एफ निकालना है। तो अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला ऊपर दिखाया हुआ है, एफ इजकल टू बी आई एल साइन थीटा। ओके, एफ इजकल टू बी आई एल साइन थीटा। तो धारावाही तार को चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत अगर रखा जाता है तो लगने वाला लॉरेंट बल, आप लॉरेंट बल ना कहें बल्कि केवल बल कहें, चुंबकीय बल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, थीटा 90 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे देखिए आई का मान ये हो गया, एल का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, इनका आप इसमें गुणा कर लीजिए, पावर चेक कर लेंगे तो ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपको चेक कर लेने हैं जहाँ पे चुंबकीय बल निकालने को पूछ सकता है। ओके, अब आपका नॉलेज चेक होगा, आपका नॉलेज मैं टेस्ट करने वाला हूँ, टेस्ट ऑफ नॉलेज, आप चेक करें क्वेश्चन को। 50 सेंटीमीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की करंट का फ्लो होता है, यदि यह तार इतना न्यूटन पर एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो कितना बल लगेगा। यू हैव टू चेक द फोर्स ऑन द वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर हैविंग करंट ऑफ 2 एम्पीयर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, थीटा देखिए 60 डिग्री दिया गया है, तो सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो आंकड़े दिखाए गए हैं उसमें आपको एफ निकालना है, आप जानते हैं एफ इजकल टू बी आई एल साइन थीटा। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लें, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आप एफ का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि बी का मान देखिए आपको मालूम है, बिल्कुल सही फॉर्म में दिया दिखाया गया है, आई का मान करेक्ट है 2 एम्पीयर, एल का मान 50 सेंटीमीटर जो कि 0.5 मीटर बन जाएगा, थीटा 60 हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 हाँ कितने लोग को मालूम है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। ओके, ये चीज़ आपको यूज कर लेनी है, कैलकुलेशन के पश्चात चेक कर लेंगे, मिला लेंगे आंसर, आपको इतना आना चाहिए। ओके, चलें आगे बढ़ें। अब लेफ्ट हैंड रूल आपने देखा हुआ है अच्छी प्रकार से, आपने वीडियो नंबर 2 में जो है इसका, ओके, इसका अभी यूज होने वाला है। क्वेश्चन 7 पे आ जाएं, ध्यान दें क्वेश्चन 7 पर विद्यार्थियों, और इसमें देखिए एक इलेक्ट्रॉन की बात करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इतना मीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन की चाल यदि 10⁶ मीटर/सेकेंड है तो परिपथ द्वारा कुल कितना चुंबकीय फ्लक्स घिरा होगा। इलेक्ट्रॉन का मास शो किया गया है,
तो यहाँ देखिए क्या क्या मान दिखाया गया, त्रिज्या वृत्ताकार पथ की दिखाई गई है, ठीक दिखाई गई, करेक्ट, ये हो गया। वेलोसिटी देखिए, ये देखिए स्ट्रिंग बॉल 6 में शो किया गया है, ये भी ठीक है। फाई का मान निकालना है, ओके। अब फाई का मान कहाँ से बनेगा, जबकि आंकड़े क्या क्या दिए हैं, आर ओ वी, त्रिज्या का मान और वेलोसिटी का मान दिखाया गया है, ओके। तो मैं पहले आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों आपको निकालना है फाई की वैल्यू। फाई होता है चुंबकीय पल्स, और फाई का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बी इंटू ए, ओके। अब बी क्या है क्वेश्चन में, एक्चुअली एक बार लैंग्वेज चेक कर लें, एक्चुअली इसमें दिखाया गया है वृत्ताकार मार्ग में, ठीक है। वृत्ताकार मार्ग का मतलब इसमें आपका जो फॉर्मूला चलेगा कुछ ऐसा चलेगा, फाइव इज इक्वल टू क्या बनाया आपने, फाइव बनाया बी इंटू ए के फॉर्म में। अब बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है वृत्ताकार मार्ग के द्वारा, अगर कोई पथ गतिमान है और सेंटर पे निकालना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, ये बी का मान हो जाएगा। और ए का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अगर त्रिज्या आर है तो, ओके। इन दोनों का यूज कर लेते हैं, यहाँ से फाई की वैल्यू देखिए बन जाती है फाई इक्वल टू बी इंटू ए, आपस में बुला कर लेंगे तो ये आर 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 आपस में कट जाएगा, ओके। क्या बचेगा, म्यू नॉट पाई आई अपॉन टू, आर भी लगा सकते हैं, ओके। तो आप लोग चेक कर लें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक और तरीका दिखाएगा, क्योंकि जो आंकड़े आर दिखाने का मतलब है कि आपको त्रिज्या आर का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर इक्वल टू होता है एम बी अपॉन क्यू बी, ओके। तो यहाँ से आपको बी का मान निकाल लेना है, ठीक। क्षेत्रफल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इन दोनों के इस्तेमाल करने से चेक कर लें, एक्चुअली आपको फाई निकालना, फाई का फॉर्मूला बी इंटू ए होता है, ए का ये फॉर्मूला है, बी का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया, क्योंकि वृत्ताकार मार्ग के त्रिज्या वाला फॉर्मूला नहीं, बल्कि वहाँ से बी निकालना है, तो उसके त्रिज्या के फॉर्मूले से ही बी निकाला गया है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाता है पाई एम बी आर अपन क्यू। वैल्यूज पुट कर लें, वैल्यूज पुट करके आप जो है बी का मान, फाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, ओके। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे आप लोग, ओके। और ये टॉपिक आपको याद आ रहा होगा, जब आपने दो समांतर सीधे धारावाहिक चालक तार कुछ दूरी पे रखे जाते हैं और उनके बीच में प्रति एकांक लंबाई पे जो फोर्स लगता है एफ अपॉन एल कितना आता है वो आपको चेक कर लेना है, ओके। एफ अपॉन एल देखना होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए उस टाइप का है, दो समांतर तारों में जिनकी म्यूचुअल गैपिंग दी गई है, ओके। लैंग्वेज चेक कर लें, दो समांतर तार जिसमें इनकी म्यूचुअल गैपिंग दिखाई गई है 0.06 मीटर, समान धारा एक ही दिशा में फ्लो होती है, एक ही दिशा में फ्लो होने का मतलब है इनके बीच में कौन सा बल का कार्य करेगा, आकर्षण बल। दोनों के प्रति मीटर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल का इतना है, तो तार में बहने वाली करंट का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें खास बात है कि दोनों में एक ही करंट का फ्लो होता है, एक ही दिशा में फ्लो होती है, ओके। और आकर्षण बल का मान एफ का मान दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना है एक किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, ठीक है। प्रति मीटर लंबाई पे इतना फोर्स काम करता है, मतलब एफ अपॉन एल का मान दिया ही है आपको, अगर याद हो तो एफ अपॉन एल का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, एफ अपॉन एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू अपॉन आर, ओके। तो ये फॉर्मूला देखिए नीचे शो किया गया है,
क्योंकि जो मान दिखाए गए उसके आधार पे आर का मान इतना हो गया, एफ का मान इतना हो गया, दोनों करंट सेम दिखानी है, आई वन आई टू आई मान लिया है, तो दोनों लंबे समांतर धारावाही तारों के बीच में प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, और इस मामले में आपको एफ अपॉन एल का मान पूरा पूरा मान दिया गया है, इसमें एल से कन्फ्यूजन ना करें क्योंकि इसमें एकांक लंबाई लिखा हुआ था, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल इतना दिया है, तो ये एफ अपॉन एल का मान हो जाएगा। ये आप जानते हैं, ये आपका म्यू नॉट की वैल्यू है, म्यू नॉट अपॉन टू पाई की वैल्यू है, आई वन की जगह आई करना है, आई टू का मान भी आई करना है, आर का मान 0.06। ओके, ये सारा कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा और आप देख सकते हैं कि आई इंटू आई आई स्क्वायर बना देगा, 900 आ गया, और उसका रूट निकालेंगे तो 30 एम्पियर। इस प्रकार से दोनों लंबे समांतर धारावाही चालक तारों में जो धारा का मान होगा वो 30 एम्पियर हो जाएगा। ओके, 30 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन आप चेक कर लें, इसका सॉल्यूशन 8 नंबर था ये, और टेस्ट योर नॉलेज, एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन आपके टेस्ट को, नॉलेज को चेक करने के लिए, इसकी लैंग्वेज को चेक करना है। दो सीधे समांतर तारों ए और बी में विपरीत दिशाओं में क्रमशः 4 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा फ्लो होती है। यदि तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, मतलब ये आर का मान हो जाएगा, इसको आपको चेंज कर लेना कि इसमें मीटर में, तो तार बी की 10 सेंटीमीटर लंबाई पे लगने वाला बल कितना होगा? ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसकी लेंथ दे दिया है। ओके, तो दो तार देखिए, एक तार ये हो गया है, ए तार ये है, बी तार ये हो जाएगा, कितना है? 4 एम्पियर, 4 एम्पियर यहाँ फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है, इसकी गैपिंग जो है 4 सेंटीमीटर, इसको आपको चेंज कर लेना मीटर में, तो बी जो तार लिया गया है उसका 10 सेंटीमीटर लंबाई पर बल निकालना है। ओके, तो स्टेप वाइज चलते हैं, पहले पहले जो बल निकालना है बी पर, तो पहले ए की वजह से जो बी बनेगा, ओके, चालक तार ए की वजह से जो बी पर फोर्स लगेगा कितना होगा? तो पहले बी निकाल लें, बी निकालेंगे, बी इक्वल टू क्या होता है? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, पहले आप इस बी का मान निकाल लें, बी एक्चुअली ए की वजह से आपने बी निकाल दिया है, अब बी निकालने के बाद आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स हो जाएगा एफ इजिकल टू बी आई एल, साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा, इसमें एल का मान 10 सेंटीमीटर, इसको आपको चेंज कर लेना मीटर में, इसको आप हल करेंगे तो निश्चित रूप से इतना न्यूटन निकल आएगा। क्लियर है? एक्चुअली जो दो तारे भी दिखाए गए, 4 5 एम्पियर, 4 एम्पियर यहाँ, 5 एम्पियर यहाँ, और गैपिंग ये 4 सेंटीमीटर, इसको आपको चेंज कर लेना मीटर में। ओके, तो पहले जो चालक तार ए है, ओके, चालक तार जो ए दिखाया गया उसकी वजह से बी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी निकाल लेना है, मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यहाँ से आपका बी का मान मिल जाएगा, और बी का मान निकलने के पश्चात आपको फोर्स निकालना है इस तार चालक तार पे, तो फोर्स हो जाएगा बी आई एल। ओके, बी का मान आपने निकाल लिया, आई का मान बी में कितना है? 5 एम्पियर है, और एल का मान 10 सेंटीमीटर, इसको आपको चेंज कर लेना मीटर में, तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 मीटर ये एल का मान, इसको आप हल करेंगे तो हल करने पे जो है कुछ इतना आंसर मिलना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपने देखा ये क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इसका डायग्राम मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, आपको याद आ रहा होगा। ओके, तो विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। क्वेश्चन 9 देखिए आपके सामने दिख रहा है, ये इसकी लैंग्वेज को समझने पहले, एक इलेक्ट्रॉन गन की बात करता है। इलेक्ट्रॉन गन में 320 वोल्ट के विभवांतर से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को त्वरित करती है। गन से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन पुंज अपने वेग के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। ओके,
ज्ञात करना है। पहला पार देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व इलेक्ट्रॉन की गति कितनी थी, मतलब वेलोसिटी निकालनी है। और यदि इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर मुड़ जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होगा। दोनों फॉर्मूले पर आधारित हैं दोनों पार। बाकी आवेश का मान दिखाया गया है, मास शो किया गया है। ओके, तो पहले फॉर्मूला चेक कर लें। एक्चुअली ये विभवांतर दिखाया गया है और हमें निकालना क्या है, वेग। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि विभवांतर और वेग में क्या संबंध है। देखिए, के इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर का, ये गतिज ऊर्जा और वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ से जब आप इसको हटाते हैं के को, ओके, यहाँ से जब आप के को हटाएंगे तो के इक्वल टू ई इंटू कैपिटल वी हो जाता है, ई वी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से वेलोसिटी को एक तरफ कर लें, बाकी टू ऊपर जाएगा, एम नीचे आएगा, रूट लगा देंगे तो आपको वेग जो है इस फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। बाकी आप जानते हैं टू लिखा है वी का, ई का मान आवेश आएगा, और कैपिटल वी का मान 320 दिया गया, सही दिया है। मास 19/31 दिखाया गया है, उसको आपको हल कर लेना है। अब हल करने पर 1.06×10⁷ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसका देखिए सेकेंड पार्ट, वृत्ताकार मार्ग में घूमने का मतलब उसकी त्रिज्या आपको पूछी गई है। यहाँ चेक कर लें एक बार फिर से, चुंबकीय यदि इलेक्ट्रॉन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर मुड़ जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र, मतलब त्रिज्या का मान दिखाया गया है, त्रिज्या का मान शो किया गया है, इसको आपको चेंज कर लेना है किसमें, मीटर में। और मीटर में निकालने के बाद आपको बी निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपको को मालूम है कि दोनों प्रकार के जो बल होते हैं, ये आपका लॉरेंज बल और ये आपका केंद्र बल, इसको पहले बताया गया है, ये आप सीधे आर का फॉर्मूला यूज़ कर लें। आर इक्वल टू क्या होता है, एम बी अपॉन क्यू बी, आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो ऑन द स्पॉट आप इसका इस्तेमाल कर लें और पहले आर का मान निकालें फिर बी का मान निकालें। अब यहाँ से बी निकालना है तो बी इक्वल टू ये बन जाएगा, एम बी अपॉन क्यू आर या ई आर। इलेक्ट्रॉन की जब बात करें तो आप कोशिश करें कि Q के स्थान पे E का इस्तेमाल करें। ओके, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं, त्रिज्या इतनी दिखाई गई है, सेंटीमीटर थी, मीटर में चेंज कर लिया है, मास दिखाया गया है, वेलोसिटी दिखाया गया है जो आपने निकाला है, और उसको हल करने पे इतना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। तो ये बी का मान हो जाता है विद्यार्थियों, इनको भी आप चेक कर लें। और इन सभी क्वेश्चन की एक ही कुंजी है फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हैं, आपको टॉपिक स्पष्ट है, आपने कोई शॉर्टकट नहीं पकड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका जो जवाब होगा वो गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है सही आंसर मिलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुछ ऐसा दिखाया गया कि इलेक्ट्रॉन की बात करता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जिसका प्लस घनत्व। अब कभी कभी ये लैंग्वेज दिक्कत में डालता है कि क्या दिया गया है। अब आप इसका मात्रक चेक करें वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो आपको मालूम चल गया हो कि ये जो है बी दिया है। कभी मैं जब देखता हूँ कॉपी, जब मूल्यांकन होता है, तो इसमें मुझे लगता है कि प्लस घनत्व क्या है, बच्चा पहचान नहीं पाता कि क्या दिया गया है। ये एक्चुअली बी है, द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बी का मान हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बी का मान के बाद इतना मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई है, लंबवत गति करता है, पथ की त्रिज्या निकालनी है। ओके, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, वो भी आपको निकालना है। ओके, तो विद्यार्थी यहाँ भी देखिए त्रिज्या के लिए पूछा गया है, और आपको जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे घूमता है, चक्कर लगाता है, तो आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो चुंबकीय बल से ही प्राप्त होता है। ओके, तो दोनों बलों को हम लोग को बराबर दिखा देना है। कौन कौन से बल, आपको लॉरेंज बल जो कि चुंबकीय बल है, और आपका जो ये अभिकेंद्र बल है सेंट्रीपिटल फोर्स FC, दोनों को इक्वल दिखा के आप पहले त्रिज्या निकाल लें। ओके, देखिए फॉर्मूला दिखाया गया है, त्रिज्या आपको ये बन जाएगा, सारे मान पुट कर दिए गए हैं। ओके, 0.035 मीटर के फॉर्म में प्राप्त हो जाता है।
इसी कड़ी में अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन को एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, टाइम निकालना है, तो 2πr/b का इस्तेमाल कर लें। ओके, 2πr, r का मान आपको दिया गया था, आपने निकाल दिया r का मान, b का मान दिया गया है। ओके, तो यहाँ से t की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, इसमें आप सारा पुट करेंगे मान। ओके, एंड यू कैन गेट टी इक्वल टू 1.93×10⁸ सेकेंड, ये आपका कैपिटल टी निकल जाएगा। ओके, समय ये पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। तो विद्यार्थियों, इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन को लगा लेना है, और जितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते हैं मैंने लगभग बता दिए हैं। अब आपको इसी पे और अभ्यास कर लेना है, अपनी किताबों से, अपने अनसॉल्व पेपर से, अपने पुराने जो पेपर आ चुके हैं उनको लिखते हुए। ओके, ताकि आप की पकड़ इन सवालों पर अच्छी बन सके और परफेक्ट आंसर, सही आंसर निकाल सकें आप लोग। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रेन, बहुत बहुत धन्यवाद।